हमने तो 17-18 घंटे का रास्ता है यहाँ से दिल्ली से, टिकट्स भी नहीं हम पे कुछ भी नहीं, हम प्रॉपर जा रहे हैं राम भरोसे। भाई कह रहा है कि टायर आगे पीछे करवाते कुछ, मतलब टायर प्रेशर में या फटने वटने का दिक्कत है। तो घर से अभी तक टोटल चला दिया 32 किलोमीटर। भाई क्या तगड़ी टनल है, कम से हमने तो आज 600-700 किलोमीटर गाड़ी चला दी होगी। तो भाई अभी अपन स्टेडियम के पास पहुंचने वाले हैं और भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर आ गए हैं कॉलेज से टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। हमारे सबसे नियम है तो भाई अंदर जाने से पहले अपन रुक गए हैं भाई थोड़ी मर्चेंडाइज लेने के लिए, अब जा रहे हैं तो भाई प्रॉपर इंडिया को सपोर्ट ही करें। बट यहाँ पे भाई बंदे ने धंधा से बना रखा है भाई, दो सूट के भर के इंडिया की जर्सी लाया और बेच रहा है 300-300 रुपए। आंटी 100-100 रुपए की होंगी वैसे, नहीं है ना थोड़ी है वही यार 300, वही यार 300-300 रुपए की बेच रहे हैं। कॉलर वाली 500 की है, है? अरे वाह। तो भाई यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग रही है आगे तो, और भाई इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है, रेड प्लस सिक्योरिटी से भी ज्यादा कोई लेवल हो तो वो लेवल है यहाँ, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से और इंडियन प्लेयर्स तो है ही, तो इस वजह से एंड तक जाम लग रहा है आपको मैं दिखाऊं। ओ भाई यहाँ पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ओ भाई ये सब भगा रहे हैं यहाँ से। ओ भाई भाई पूरा रैप अप करा दिया भाई, इलीगली बेच रहे थे ना सब इकट्ठा करवा दिया भाई, क्रेजी सीन है भाई, क्रेजी सीन है। तो भाई भाई और मम्मी यहाँ पे कुछ कुछ करवा रहे हैं, ये देखो ये भाई ने गाल पे लगवा लिया इंडिया का फ्लैग। अभी अपन थोड़ी आगे ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है भाई गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है और बिल्कुल ही साइड में नहीं ले सकते, थोड़ा इशू पड़ेगा। अभी अपन अभी गाड़ी में हो भाई, तुम्हारे भाई ने गाल पे फ्लैग बनवा लिया। अभी क्या है भाई कि भाई जर्सी वगैरह ले रहा और मैं सोच रहा हूँ कितना बड़ा पोपट हो जाएगा अगर हमें वो एंट्री नहीं मिली तो। अब देखते हैं भाई एंट्री का तो बात कर ही रहा है, जर्सी जुर्सी सब ले लिया अगले ने, क्या करते हैं भाई एंट्री हो जाती है। यहाँ पे कहीं भी पार्किंग नहीं थी तो अपन ने कॉल ली, पार्किंग में गाड़ी लगा दी और अपन जा रहे हैं मेन गेट की तरफ। कॉल लो टिकट्स अपने पे है नहीं, बट अगर गेट पे जाके कुछ एडजस्टमेंट हो गया अपने वो एंट्री मिलते हैं ना तो वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कैसे भाई ब्लैक हो जाए टिकट। तो चलते हैं फटाफट भाई, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, कैब वालों को भी छोड़ने नहीं जा रहे अंदर। अब भाई तो मिनिस्टर को छोड़ दे कितना चलना पड़ेगा। ये देखो न्यूज वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, कौन सी न्यूज है, डीडी न्यूज है, दूरदर्शन न्यूज, आ जाओ मम्मी। भाई अभी भाई एक बंदा भाई का इंटरव्यू ले रहा, भाई कहता है तू मेरा इंटरव्यू ले, मैं बंदा था ब्लॉगिंग करनी है। हाँ बहुत सारे न्यूज वाले आ रहे हैं, अच्छे जा बढ़िया भाई, अंदर तक जाना मुश्किल हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। तो भाई चलते चलते एंट्रेंस के क्लोज आ गए हम, भाई आपको ऊपर से दिख रहा होगा वहाँ पे 3 झंडे थे, वहाँ पे है स्टेडियम, तो यहाँ चल के एंट्री करनी पड़ेगी अपन को। पीछे कोने वाली साइड बहुत अंदर है, घूम मत जाना भाई, यहाँ पे इतनी भीड़ है, आंटी और मम्मी की टेंशन हो रही है। ये देखो भाई ये है एंट्रेंस, ओ भाई कितनी भीड़ है, लिटरली बहुत ज्यादा भीड़ है आज। आयो तो भाई एंट्री हो गई है, तो भाई फाइनली मेरा एक नॉन बंदा था उसने हमारी एंट्री करा दी। ओ भाई फाइनली अंदर आ गया है मम्मी, खुश इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आना सफल हुआ, ए आना सफल हुआ अपना। तो अंदर चलते हैं इंडिया को ऐसे चीड़ फाड़ के वो करते हैं चीयर और ऊपर से मैच देखें, मजा आ गया। सब पागल हो गए, आपको देखो जूम करके देख रहे हैं, लिटरली लोग पागल हो गए भाई, आउट हो गए वो लोग, मेरे ख्याल बाबर आउट हुआ है, बाबर आउट हो गया, अरे दूसरा आउट हुआ है। देखते हैं
सिंह बाबा राउंड मजे कर रहे हैं लौंडे यार, परेशान मत करो ना। मेरे कान में जो मेरा तो कान पैरा कर दिया। इन्हें बाबर आउट हो गया है। देर में भाई पाकिस्तान की इनिंग खत्म होने वाली है, तो अपन भी कुछ खाने के लिए लेके आ रहे, खाने पीने के लिए चले नीचे भाई। चल भाई चल यार, हालत टाइट हो गई तो पानी की बोतलें ले लेते हैं, नीचे रिफिल कर लेंगे, कुछ खाने पीने का भी ले लेंगे। अभी भाई मैच कुछ ऐसे रंगीन का चल रहा है भाई, स्टेडियम कितना भाई शेयरफुल लग रहा है, मजा आ गया। इन्होंने बेसमेंट में वॉशरूम वगैरह बना रखे, बट इसके पीछे ना पार्किंग है जिसमें सारी मतलब टीम्स की बसेज है और भाई पुलिस एस्कॉर्ट है, तो पूरी पार्किंग पुलिस एस्कॉर्ट से भरी पड़ी है। अभी क्या अपन जा रहे हैं भाई, कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं भाई। अपन ना सैंडविचेस वगैरह ना लेके आए थे, और भाई उतने में पाकिस्तान की इनिंग खत्म हो गई, उनके सारे प्लेयर आउट हो गए। तो भाई कोई सिंगर आया बॉल बड़ा, तो देखे जरा भाई। आज आज दुनिया में सब देख लिया भाई, इंडिया की इनिंग स्टार्ट हो गई है भाई। ओपनिंग में कौन कौन आया प्लेयर मैन देख पाया, शुभम गिल आया और कौन आया देखते हैं कितना टाइम लगे इन्हें ओवरकम करने में। मजा आ गया भाई, क्या तुड़ाई हो रही है ये, तीन बॉल में दो चौके एक रन भाई, नौरा तो छूट से मार दिया, क्या चुड़ाई है। ओ भाई भाई, भाई लोग पागल हो गए भाई, तीन बॉल में दो चौके एक रन, चार विकेट भाग गए, सारे भी भाग गए मम्मी के। ओवर के लिए तुम्हारा भाई एक्साइटेड रहता है, क्योंकि हमारी साइड कुछ रहते हैं तो बॉल उड़ के यहाँ आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी देखते हैं भाई क्या सीन बनता। पिच पे आ गया विराट कोहली, अब होगी इनकी पिटाई, अब होगी पिटाई अंटे, देखना अब बॉले उड़ेंगे आर पार उड़ेंगे, देखना एक बार नोटिस करना जितने फील्डर हैं सारे कोने कोने में लग गए हैं, क्योंकि कोहली ना दूर दूर उड़ाता है, इस चक्कर में वो एडजस्ट पे स्टैंड कर दिया सारे। साइड के बॉलर भाई रहे भाई साहब खिलक चुके हैं, और पता नहीं क्यों किस भाई बीच में बॉल फेंक के मार रहे हैं रोहित भाई के, उनका भी क्रेज सीन चल रहा है भाई। मेरे ख्याल तो इजी जीत जाएगी इंडिया, बाकी देखते हैं क्या चलता है आगे। भाई गेम खत्म हो गई, खत्म गेम, अच्छा रोहित शर्मा आउट हो गया, अच्छा अपन लोग जीतने वाले, अपन को चाहिए थे 192 और 186 हो गया, तो 6-7 रन और चाहिए। तो भाई अपन ने देख लिया पूरा मैच, जीत गया इंडिया, चले भाई अब चलो जी, जिस काम से आए थे वो तो हो गया। मम्मी आपको पता है वर्ल्ड कप में 20 साल से इंडिया से जीती नहीं है पाकिस्तान, तुझे पता है तेरी मम्मी जो देखो कितने
चीटियों की तरह देख रहे हम भी लोग। जब आए थे तब भी इतनी भीड़ थी ना? हाँ नहीं जब इतनी भीड़। अभी मैच खत्म हुआ और भाई भीड़ देखो भाई, अंत भीड़ वो देखो भाई, लोग ऐसे भाग रहे हैं ऐसे पता नहीं क्या। तो भाई देखो भाई कितनी भीड़ आबादी भाई, मैंने जिंदगी में पहली बार देखी। देखो भाई चारों तरफ लोग ही लोग हैं भाई, हैं अक्सर चारों तरफ आदमी आदमी दिख रहे हैं हमें। लेकिन भाई आज का दिन मेमोरेबल है, जितनी थकावट थी ना भाई सब मोटिवेशन में बदल गई थी और अच्छा खेले भाई, मजा आया। तो भाई अभी अपन के खाना खाने जा रहे थे और मैं देख रहा हूँ भाई बस स्टैंड पे भी बिल्कुल मेट्रो वाला सीन है कि पहले ट्रेन मतलब बस पार्क हो जाएगी उसके बाद ये गेट्स खुलेंगे एंट्री एग्जिट के लिए, और ऊपर पूरा शेड्यूल बताता है कि कौन सी बस कहाँ जा रही है कब आएगी। ये देखो भाई बट ये पूरा गुजराती भाषा में, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे मोस्टली जो साइंस है ना बोर्ड साइन वो सारे गुजराती भाषा में, कुछ हिंदी में नहीं है कुछ इंग्लिश में नहीं है, तो गूगल मैप्स के भरोसे घूमना भाई यहाँ घूमो। तो भाई चीज काफ़ी मेरे को स्मार्ट लगी। तो भाई ये साबरमती का थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ कल दिन में आएंगे तो दिन में दिखाएंगे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये बिजली बनती है, क्लीन एनर्जी बनती है, तो वो चीज कल दिखाएंगे प्रॉपर अगर बाहर से दिखा पाएंगे तो। भाई देखो अपन को लगी थी भूख, तो भाई अपन आ गए हैं एक मॉर्निंग शॉप करके, एक यहाँ पे फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे पूरा स्ट्रीट फूड मिलता है। तो आज ये कह रहे बंद है बट अपन चल के चेक करने वाले क्या क्या मिलता है। बहुत मैंने यूट्यूब पर देखा यूनिक चीज़ें मिलती है, तो आप लोगों को दिखाएंगे और तुम मेरे साथ खा लेना क्योंकि मैं स्क्रीन के तो खिला नहीं सकता तुम लोगों को। तो चले बंद कर दिया तुमने? हाँ बंद कर दी। चलो तो भाई यहाँ पे अलग अलग टाइप की सौंफें मिल रही हैं, कुछ तीखी हैं तो कुछ मीठी हैं, तो चटपटी सौंफें भी हैं भाई, सब टाइप की सौंफें भाई। ये चीज़ मैंने यूँ कहीं पर देखी, गुजरात में देखने मिल सकती है और कहीं नहीं। एक ये चीज़ मैंने यूट्यूब पर फेमस देखी थी, आज बंद है गुजरात का जामुन शॉर्ट, बहुत ही ऐसे क्रीमी टेक्स्चर का होता है, टेक्स्चर का होता है यहाँ पे मिल लेगा जल्दी भाई। ये फेमस चीज़ थी ये बंद है आज जामुन शॉर्ट्स, अंदर देख लेते अंदर होंगे तो। इंडिया जीते तो यहाँ पटाखे फूटे हैं, तो ये देखो अभी भी उसका खोल जल रहा है ना, लोगों ने बीच चौक में पटाखे फोड़े हैं, हमारे गाल से फ्लैग नहीं मिटा। कितना प्यार है देख ले अपने देश से, कितना प्यार है लोगों का, है ना। तो जहाँ पे हम गए थे खाने वो तो पूरी स्ट्रीट बंद थी, बट यहाँ पे पीछे ना हमें स्ट्रीट फूड मिल रहा है और डोसा वोसा भी है, तो अपन डोसा वोसा चटकाने की सोच रहे। तो भाई देखते हैं भाई, एक तो यहाँ का मेन्यू भी भाई पता नहीं गुजराती भाषा में है, मेरे को ये ट्रांसलेट करके दिया उसे 200 रुपए इनाम, डोसा मैं पढ़ पा रहा हूँ ठीक है भाई, मैं ही गवा रहा हूँ, मैंने पीछे देखा इंग्लिश में भी है मसाला डोसा। तो भाई ये डोसा नहीं बेचते हुए, डोसा बेचते हैं डोसा डोसा। अब वहाँ पे लोग पटाखे बेच रहे हो, हमारे भाई ने धरोंदा भर के खा लिया। अभी मेरे को सामने ना एक आइसक्रीम पार्लर दिख रहा है, मैंने हाफ मोड़ के तो भाई चॉकलेट आइसक्रीम शेक्स भी देखे थे, तो पता करते हैं इन पर आइसक्रीम शेक हुए तो ठीक है वरना आइसक्रीम लेंगे।